I remember laughing and playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing. Hi guys, how are you all? Today we are going to Victor Harbour and Granite Islands. Victor Harbour is a coastal town in South Australia. It is around 84 kilometers from the Adelaide city center. It's a very beautiful place. आप यहाँ पे public transport से भी जा सकते हो, but by car जाना is easy. Public transport के लिए I will give the link in the description कि आप कैसे book कर सकते हो, and it's very affordable also. तो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से इट टेक्स अराउंड 1 hour and 40 minutes. आई थिंक रास्ता लंबा है, सो मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ लेके जाएं, एंड स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो टेक समथिंग टू मंच. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीनिक ब्यूटी ऑन द वे. लैंडस्केप बहुत प्यारा है, जैसे कि आप सामने भी देख सकते हैं, ये सामने एडलेड हिल्स हैं. हिल्स तो खैर पूरे ही रास्ते में, पूरा हिली रास्ता ही है, बट काफ़ी सारी वाइनरीज भी आती हैं ऑन द वे, एंड यू कैन एक्सपीरियंस ब्यूटिफुल वाइनरीज. इन माई ओपिनियन द बेस्ट टाइम टू विजिट विक्टर हार्बर इज इन द इवनिंग, बिकॉज शाम के टाइम पे वेदर अच्छा रहता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. वैसे तो टेम्परेचर वहाँ का अच्छा ही रहता है, बट सिंस आप जैसे देख सकते हैं दिस अ लॉन्ग ब्रिज जो आपको वॉक करके या बाय हॉर्स ट्रैम क्रॉस करना होता है, सो इट्स गुड कि आप धूप अवॉइड करें, टैनिंग होने से बच जाएगी. वंस यू रीच विक्टर हार्बर, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है इसको क्रॉस करके जो बीच में आइलैंड है ये इधर आप वॉक करके क्रॉस कर सकते हो. अदरवाइज 4:30 से पहले अगर आप जाते हो तो हॉर्स ट्रैम्स भी होती हैं, आप वो भी लेके क्रॉस कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड ग्रेनाइट आइलैंड. शाम को पहुंचे थे, आई थिंक वी रीच्ड अराउंड 6, तो हमने ये वॉक करके ही ये क्रॉस किया था. एंड यू कैन सी मैनी पीपल आर गोइंग दैट साइड, और मोस्टली क्योंकि शाम हो गई है तो वॉक ही कर रहे हैं सभी लोग. एंड हियर कम्स द ग्रेनाइट आइलैंड्स. आइलैंड पे एक रॉक है, रॉकी सा पूरा हिल टाइप का एरिया है, और ये स्टेयर्स जो दिख रही हैं आपको अभी, ये स्टेयर्स मतलब चढ़ के आपको ऊपर वो आइलैंड पे ले जाती है. एंड ऊपर जाने के बाद अभी आप देखना क्या व्यू, अमेजिंग व्यू था. आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पाएगा, बट मेस्मराइजिंग इट इज. हमें यहाँ पे सामने छोटे से बहुत ही दो ब्लैक कलर के कुछ दिख रहे हैं, आई डोंट नो वो बोट्स हैं कि क्या है, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि वो रियल में वेल्स हैं या वो बोट है. फाइनली इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद हम आ गए हैं ऑन द रॉक्स. ये पूरा मरीन मैमल्स इन साउथ ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं ना. वो देखो सारे वेल ऑफ माइग्रेट वेल्स का ही है ये सीन सारा, इसमें वेल्स होंगे. वेल्स हार्मफुल नहीं होते ना, शार्क हार्मफुल होते हैं. ये क्या है, वेल नहीं मारते? नहीं, वेल नहीं मारते. वेल और डॉल्फिन्स फ्रेंडली होती हैं. आई थिंक सो. पर उसमें किलर वेल लिखा था ना, वो वैसे ही है, भी इतनी सी वो किलर है. ये देखो ये माइग्रेट हो गया, ये इसको वीजा लेना पड़ना है. वेल ऑफ माइग्रेशन.
किसने अप्लाई किया होगा, ये परमानेंटली रह गई है। मैं कोविड से बहुत पहले आ गई थी, आई डोंट नीड दिस। आई क्यों है ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए? यहाँ का पानी ज्यादा क्लियर है, मीठा पानी है, अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ से फोटो लूँ मैं? हाँ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कोने पे चलते हैं। वापस जहाँ से आए थे वहीं से नीचे उतर रहे हैं। उनके नीचे से निकलना पड़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा। और वो जो एक वहाँ पे भी है, एक बालकनी सी बनी हुई है। कहाँ? उधर साइड पे, ये देखो इधर ना, ये वाली नीचे। छोटी सी बालकनी, किसने अपना नाम लिखा? लक्ष्य देवी। इनको लगता है यहाँ लिखने से प्यार अमर हो जाता है। ये भी है, ये भी है। चल हम नाम भी पढ़ते हैं। क्या है, क्या ये? ये पता नहीं कौन सा। जेके सी राज। यार ये पागल, इसकी सिमरन कहाँ है? अभी ऑस्ट्रेलिया का तो सही रह जाएगा, वहां पे तो लिखा होता ये। कोई बात है, ये वाली सलामत है। अभी देखो यहाँ पे दिल बना के भी लिखा हुआ है, HM करके। क्या क्यों खराब कर रहे हो? वहाँ पे तो इंडिया में तो कहीं भी चल रहा लिखा ही होता है। इंडिया में पेड़ नहीं छोड़ते। हाँ पागलो। तभी ना अभी पेड़ों को कवर करना शुरू कर दिया, वो प्लास्टिक का बीच में लगा देते हैं। व्यू का ही है यार खेल सारा यहाँ पे। यही है जन्नत, सब बाकी यही जन्नत है। बाकी सब तो मुंह माया है। में एक ये छोटा सा राइड्स का पार्क भी बनाया हुआ है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हैं राइड्स। दो एवरी राइड इज़ नॉट फॉर एवरीवन, कुछ राइड्स बच्चों के लिए हैं, कुछ बड़ों के लिए हैं। अभी मैं एक राइड पे जाने वाली हूँ।